नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम धर्म विशेष में। मैं हूं आपके साथ शेफाली। धर्म विशेष में हम आज बात करेंगे कि करियर को कैसे चुना जाए, मतलब ये कि किस ग्रह से प्रभावित लोगों को किस तरह का करियर चुनना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रतीक भट्ट जी। स्वागत है प्रतीक जी आपका। चलिए तो ग्रहों से हम जानेंगे कि किस फील्ड में बनेगा आपका करियर। प्रतीक जी, आप पहले तो यही बताइए कि कैसे कोई व्यक्ति जाने कि वो किस ग्रह से प्रभावित है, मतलब कोई व्यक्ति कैसे पता लगाए कि वो किस तरह का करियर चुन सकता है। ठीक है, आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। जैसे कि करियर सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है और हम अक्सर देखते हैं कि हमने पढ़ाई करी होती है साइंस साइट की, लेकिन हम नौकरी कर रहे होते हैं कॉमर्स साइट में, या हमने पढ़ाई करी होती इंजीनियरिंग की लेकिन हम बन जाते हैं मैनेजर। तो यही एक वजह है जिससे हम समझ सकते हैं ज्योतिष में कि कैरियर और एजुकेशन कैसे डिफरेंस होती है। तो कैरियर और एजुकेशन डिफरेंस जानने के लिए या तो आप कुंडली का 10वां घर का अध्ययन करें, लेकिन कुंडली हर कोई आसानी से समझ नहीं सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक मैं ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे हर कोई घर बैठे ये समझ सकता है कि उसे किस कैरियर में और किस फील्ड में कैरियर बनाना चाहिए। तो खोलिए अपना अपना हाथ। अगर आप हाथ खोलेंगे तो आप हाथ में देखेंगे कि चार उंगलियां और एक अंगूठा है। इनमें से जो भी जिस उंगली के नीचे भी पर्वत स्ट्रांग है, मतलब उठा हुआ है, और वो उंगली सीधी और लंबी है, तो समझ लीजिए वो ग्रह बलवान है। उससे संबंधित कार्य करने पर कहीं ना कहीं कैरियर बेहतर रहेगा, कहीं ना कहीं उससे संबंधित कैरियर अच्छा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। अगर आपकी ये उंगली, जिसे रिंग फिंगर आप लोग कहते हैं, अगर ये उंगली एकदम सीधी है और यहाँ पर एक छोटी सी भी लाइन है, तो समझ लीजिए सरकारी काम, सरकार में नौकरी, राज सत्ता, जनता के कामों में आप सफल होंगे। तो हम घर बैठे ये जान सकते हैं कि किस तरह की फील्ड में हमें अपना कैरियर बनाना चाहिए। तो चलिए अब और कुछ पहलुओं पे बात करते हैं और आपको आज बताएंगे कुंडली में बैठे नवग्रह मनुष्य के जीवन की सफलता और असफलता तय करते हैं। तो कैसे, यहाँ जानिए हमारे साथ ग्रहों के अनुसार किस किस और कौन कौन से क्षेत्र में आपका कैरियर बनेगा और कौन सा क्षेत्र आपको सफलता दिलाएगा। इसे मैं हाथों से समझाऊंगा जिससे कि आप घर बैठे आसानी से समझ सकें। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह पर। तो देखिए, सूर्य अगर मजबूत है तो नाम पैसा सब मिलता है। अब इसे हाथ में कैसे समझें, हाथ में ये उंगली, मैंने आपको बताया रिंग फिंगर सूर्य की उंगली होती है, अगर ये मजबूत है और सीधी है और यहाँ पर अगर एक छोटी सी भी लाइन है, तो समझ लीजिए सूर्य बलवान है और सूर्य आपको सरकार के कामों में सफलता देंगे। सूर्य कहाँ से जुड़े हुए हैं, सूर्य राजकीय कार्यों से जुड़े हैं, राजकीय विभागों से जुड़े हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक विभाग, ISPCS, उच्च पदों पर आसीन लोग या वहाँ के कर्मचारी, सलाहकार, राजकीय नेता या राजनेता, ये सब सूर्य के काम है। इसके अलावा अगर कुछ और पहलुओं पे जाएं तो सूर्य ग्रह वाला व्यक्ति वित्त, हीरे जवाहरात, एंटीबायोटिक मेडिसिन, डायरेक्टरशिप, स्कूल व कॉलेज का प्रबंधक, मैनेजमेंट कंसल्टेंट और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता जैसे क्षेत्रों में भी सफलता पाता है। तो देखिए, अगर आपकी ये उंगली मजबूत है, सीधी है और यहाँ पर अगर एक छोटी सी भी रेखा है, तो समझ जाइए सूर्य की ये फील्ड आपको जीवन में सफलता देंगी। तो ये आपने समझा सूर्य के बारे में। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह के बारे में। तो चंद्र ग्रह जो है ज्योतिष में बहुत इम्पॉर्टेंट है और चंद्र को आप यहाँ से समझ सकते हैं, हथेली के नीचे, अंगूठे के जस्ट नीचे वाला सिरा उल्टी ओर, अगर ये मजबूत है, उठा हुआ है और यहाँ से कोई रेखा भाग्य रेखा तक आ रही है, तो समझ जाइए आप जल से रिलेटेड काम, दूध दही से रिलेटेड काम, गृह मंत्रालय, पर्यावरण और वन विभाग, उसी के साथ साथ मछली पालन, जहाजरानी, इन सब जगहों पे अच्छा काम करेंगे। चंद्रमा, चंद्र ग्रह वाले जो जातक हैं वो लेखक अच्छे होते हैं, कवि भी अच्छे होते हैं, लाइब्रेरियन, गारमेंट डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर,
ट्यूटर, सलाहकार, कैरियर काउंसलर, ये सब काम अच्छा करते हैं। उसी के साथ साथ आयात निर्यात, प्रकाशक, काव्य सर्जक, पत्रकार भी बन सकते हैं और इन क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। तो अपने हाथ में देखिए, अगर ये पर्वत मजबूत है और यहाँ से कोई रेखा भाग्य रेखा को मिल रही है, तो समझ जाइए आपका चंद्र मजबूत है और आप इन सब जगहों पर सफलता पा सकते हैं। चलिए अब अगले ग्रह को ले लेते हैं, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ज्योतिष में, और ये क्या दर्शाता है जनरली? रक्षा मंत्रालय, स्पोर्ट्स, खेल से जुड़ी हुई चीज़ें, परमाणु विस्फोट, पेट्रोलियम, गैस विभाग, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी विभाग, युवक कार्यक्रम, ऊर्जा स्रोत, ये सब मंगल के अंडर में आते हैं। और मंगल आप यहाँ से समझ सकते हैं, अगर ये स्थान में कोई कटफट नहीं है तो समझ लीजिए मंगल स्ट्रांग है। और मंगल वाला जातक सैन्य अधिकारी, मतलब आर्मी में, एयरफोर्स में, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, जासूस, सर्जन, हाँ जी डॉक्टर, वो भी सर्जन अगर आप बनना चाहते हैं तो मंगल स्ट्रांग होना चाहिए, मेडिकल शॉप, पुलिस अधिकारी, ये सब मंगल के अधिकृत में आते हैं, अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसी के साथ साथ प्रोफेशनल खिलाड़ी, हेल्थ वर्कर, सिक्योरिटी सर्विसेस, आजकल सिक्योरिटी सर्विसेस के जो मालिक हैं उनका भी मंगल हमेशा स्ट्रांग देखा गया है। तो ये सब मंगल के क्षेत्र हैं, ये लोग अपने कैरियर में निर्भीक होते हैं। जी प्रतीक जी, तो हमने बात कर ली मंगल ग्रह की, सूर्य ग्रह की, चंद्र ग्रह की। अब तीन ग्रहों से जुड़े करियर के बाद अब बारी आती है बुध ग्रह की, गुरु ग्रह की और शुक्र ग्रह की, और उससे प्रभावित लोगों के लिए कौन सा करियर सही रहेगा, आप ये भी बताइए। बिल्कुल ठीक है, अब बात करेंगे हम बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का प्लैनेट है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज के प्रोफेशनल युग में, इसको कैसे समझे, हाथ में सबसे छोटी उंगली देखिए अपनी, इसके नीचे अगर कोई छोटी छोटी एक दो तीन रेखाएं बन रही है और ये उंगली बगल वाली रिंग फिंगर के जो तीसरा आखिरी पोर है उसे क्रॉस कर जाती है तो मतलब बुध स्ट्रांग है। तो आप मीडिया, फिनेंस, मतलब वित्त क्षेत्र में, आर्थिक आदान प्रदान से जुड़े क्षेत्रों में, बैंकिंग सेक्टर, इन सब जगहों पे सफलता पा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग देखा गया है शेयर, संचालन, आयात निर्यात मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विभाग, कंपनी मामले में, उपभोक्ता मामले में, ट्रेवल एजेंसी में, डाक विभाग, तार विभाग, इन सब में सफलता पाते हैं। और जिनका भी ये बुध मजबूत है, उंगली सीधी और लंबी है और यहाँ दो तीन रेखाएं हैं, तो ऐसे लोग सीए, क्लर्क, प्रकाशक, हॉबी क्लास टीचर, इन्वेस्टर, प्रबंधक, रिटेल शॉप डीलर, जनरल स्टोर डीलर, स्किन केयर, अकाउंट्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर, साथ ही साथ बुक बाइंडर और एक बड़े एग्जीक्यूटिव पद तक पहुंचते हैं और ख़ास तौर से बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। उसी के साथ साथ ये लोग इवेंट मैनेजर भी अच्छे होते हैं और उसका काम भी बहुत अच्छे रूप से करते हैं। इसलिए बुध बहुत मजबूत ग्रह है आज के इस कलयुग में। चलिए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति पहली उंगली, ये अगर सीधी है और ये शनि इसके बाद वाली उंगली के नाखून के ऊपर तक पहुंच रही है, तो समझ लीजिए आपका बृहस्पति मजबूत है। और यकीन मानिए, अगर बृहस्पति मजबूत है तो आधी कुंडली तो ऐसे ही मजबूत हो गई। तो आप कैसे समझें कौन से विभाग हैं बृहस्पति के, उस पर चर्चा करते हैं। विदेश मंत्रालय, न्याय विभाग, उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, खास तौर से शिक्षा मंत्रालय और एजुकेशन लाइन, सलाहकार समितियां मतलब एडवाइजरी बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, राजदूत, परिवार नियोजन, ये सब बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ बृहस्पति से जुड़ी चीज़ें साहित्य संस्थान के अधिकारी, संगठनकर्ता, प्रबंधक, आर्किटेक्ट, अच्छे बिजनेसमैन जो कि नंबर एक का काम करते हैं, संपादक, एडिटर, राजनीतिज्ञ, वकील, कॉलेज प्रोफेसर और न्यायाधीश, होटल प्रबंधक, प्रशासक, ये सब बृहस्पति के क्षेत्र में आने वाली चीज़ें हैं। और अगर आपकी ये उंगली मजबूत है तो समझ लीजिए आपका बृहस्पति मजबूत है और आप जीवन में इन क्षेत्रों में सफलता पाएंगे। अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, शुक्र ग्रह। शुक्र, मैं हमेशा कहता हूँ जैसे कि शुक्र है कि शुक्र है, क्यों? क्योंकि कलयुग में सुख, शांति, समृद्धि का कारक शुक्र है। अगर ये मजबूत हो गया तो कुंडली का पूरा मजा और जीवन का पूरा मजा और आनंद आप ले पाते हैं। तो ये कैसे जाने हाथों में, खोलिए अपने अपने हाथ।
अंगूठे के नीचे का हिस्सा और अंगूठा शुक्र दर्शाता है। अगर शुक्र मजबूत है, ये हिस्सा उठा हुआ है, यहाँ पर कोई जाल नहीं है, यहाँ पर कोई कट नहीं है, तो समझ लीजिए शुक्र मजबूत है और शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में आप सफलता पा सकते हैं। तो कौन सी हैं वो चीज़ें? रेल विभाग, यातायात से जुड़े सभी कर्मचारी, दूर संचार, दूरदर्शन, मीडिया और सिने जगत, खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री, पेज 3 में जो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं शुक्र मजबूत है। पर्यटन विभाग, वस्त्र मंत्रालय, खाद्य विभाग, ये सब शुक्र को दर्शाते हैं। शुक्र वाले लोग अच्छे मीडिया प्लानर, अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर, इवन देन डॉक्टर, सर्जन भी अच्छे होते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे फोटोग्राफर भी शुक्र के ही लोग होते हैं, क्योंकि शुक्र कला का प्रतीक है। उसी के साथ साथ एक अच्छा ज्योतिषी होने के लिए बगैर शुक्र के आप अच्छे ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र को वरदान प्राप्त है सबसे बड़े ज्योतिषी होने का। उसी के साथ साथ मैरिज ब्यूरो संचालक, टीवी एंकर, ब्यूटिशियन, लेडीज ट्रेलर, पर्यटन प्रबंधक आदि के सारे कार्य शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपका ये पर्वत मजबूत है और अंगूठा पीछे तक जाता है, अगर पीछे तक नहीं भी जा रहा है, सम है और गठीला नहीं है, जिसमें गांठ नहीं है, तो समझ जाइए शुक्र मजबूत है और आप इन सब जगहों पे सफलता पाएंगे जीवन में। जी प्रतीक जी, तो मुझे उम्मीद है कि सबके सब अपने हाथ खोल के बैठ गए होंगे, देख रहे होंगे कि कौन सा ग्रह मजबूत है उनका, और जान रहे होंगे कि क्या करियर ऑप्शन उनके लिए अच्छा होगा। चलिए बारी आती है शनि, राहु और केतु से प्रभावित लोगों के करियर को जानने की। तो शनि, राहु, केतु कलयुग के राजा कहे गए हैं, तो इनके बारे में जानना तो सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब शनि को जानते हैं सबसे पहले। तो बीच वाली उंगली खोलिए और देखिए, ये उंगली सीधी है, ये टेढ़ी तो नहीं है, इसके नीचे कोई जाल तो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो समझ जाइए शनि कमजोर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर भाग्य रेखा शनि पर्वत तक आ रही है तो समझ जाइए शनि बहुत मजबूत है, और अगर शनि मजबूत है तो ज़िंदगी में चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, चाहे शनै शनै हो, मतलब कि चाहे धीरे धीरे हो, क्योंकि शनि हर चीज़ स्टेबिलिटी से, आराम से, धीरे धीरे जीवन में देते हैं। तो क्या है इनके क्षेत्र, चलिए बताता हूँ। मानव संसाधन विकास, श्रमिकों से जुड़े विभाग, क्योंकि ये लोअर तबके के ग्रह हैं, कृषि विभाग, जेल विभाग, चुनाव प्रक्रिया में संबंधित कर्मचारी, स्टील लोहे का काम, कल्याण विभाग, कोयला, लघु उद्योग, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ शनि ग्रह वाले उत्पादन प्रबंधक अच्छे होते हैं। उसी के साथ साथ हार्डवेयर इंजीनियर, टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, शोधकर्ता, विदेशी भाषा के ट्रांसलेटर और कभी कभी अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंजीनियर साबित होते हैं। उसी के साथ साथ जब आप देखते हैं कुछ लोग डिटेक्टिव का काम करते हैं, वो भी शनि के अंतर्गत हैं, क्योंकि शनि का स्वभाव है बीच बीच में शक करना। तो इसलिए प्राइवेट डिटेक्टिव, लैब टेक्नीशियन, स्टील फैक्ट्री के मालिक, लोहे फैक्ट्री के मालिक, ये सब शनि को दर्शाते हैं। और अगर आपका ये उंगली सीधी है और भाग्य रेखा यहाँ तक आ रही है, तो इनसे संबंधित काम आप कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। अगला ग्रह है राहु ग्रह। तो राहु ग्रह वाले क्या होते हैं, उससे जानने से पहले समझिए हाथ में कहाँ होता है राहु। ये जो गड्ढा देख रहे हैं हथेली के बीचों बीच, ये गड्ढा राहु का गड्ढा कहलाता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा गड्ढा है, मतलब बहुत दबा हुआ है और यहाँ पे कट हैं, तो समझ लीजिए ये अच्छा निशान नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, यहाँ पर कट नहीं है, यहाँ पर जाल नहीं है, तो समझ जाइए राहु मजबूत। और राहु मजबूत तो कलयुग के आप किंग होंगे, और इसलिए कहा भी जाता है जिसका राहु मजबूत उसका सब मजबूत। तो और यहाँ पर खास तौर से अगर भाग्य रेखा की वजह से कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो ये राहु अति का मजबूत हो जाता है और बहुत लाभ देता है। तो क्या क्षेत्र हैं इनके? वेंचर कैपिटलिस्ट, फिजियोथेरेपी, शेयर ब्रोकर, राजनीतिक, क्योंकि ये राजनीति के कारक भी हैं, होटल कर्मी, ऑटो पार्ट्स, शराब, फिल्म डायरेक्टर, नशीलो चीज़ों का उत्पादन और सेवन, दोनों ही कहीं ना कहीं राहु को दर्शाता है। तो इनसे जुड़े कोई भी काम, इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़े कोई भी काम, सॉफ्टवेयर में हैकर्स जो होते हैं वो राहु से संबंधित होते हैं,
क्योंकि उनका दिमाग ही ऐसे चलता है कि रहस्य वाली चीज़ों पे कि कुछ हैक करें। प्रोग्रामर होता है जो सीधे रास्ते चलता है, हैकर होता है वो हैक करने की कोशिश करता है हमेशा सॉफ्टवेयर में कुछ, तो वो भी सब राहु है। तो अगर आपका राहु मजबूत है तो आप सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं, हैकर और सिक्योरिटी लाइन में। तो ये थे राहु ग्रह। अब बात करते हैं केतु की। आखिरी ग्रह केतु यहाँ से समझे जाते हैं मणिबंध चक्र से, जो ये नीचे का हिस्सा है ये केतु का हिस्सा होता है। और अगर ये उठा हुआ है, ये मजबूत है, तो आप धर्म के काम, कर्म के काम, मंदिरों से जुड़े हुए काम करने वाले होंगे, झंडों के निर्माता होंगे, रस्सी का काम, जैसे लंबी वस्तुओं के निर्माता, लंबी लंबी रस्सियों के निर्माता, ये सब राहु है। तो ये सब केतु है। तो केतु कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनसे जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी और आप जीवन में तरक्की करेंगे। तो ये था नौ ग्रहों के बारे में, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। तो आपको हाथों से समझना चाहिए कि कौन सा पर्वत बलवान है, कौन सा ग्रह बलवान है, और उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं ये तय करना चाहिए कि हमें किस लाइन में सफलता मिल सकती है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिन्होंने PhD तक करी होती है लेकिन करियर में सफलता नहीं मिल रही होती है। तो मैं हमेशा उनसे एक ही बात कहता हूँ, मैं हमेशा उनसे यही बात कहता हूँ कि जो एजुकेशन है उसका जो घर है वो चौथा पांचवा है, एजुकेशन का जो ग्रह है वो बृहस्पति है। तो आपने वो तो मजबूत था, तो आपने एजुकेशन तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन कैरियर जो कि दसवां घर है, कैरियर जिसका ग्रह अलग हो सकता है, राशि और नक्षत्र अलग हो सकता है, हो सकता है आपने एजुकेशन किसी चीज़ में करी हो और आप उसी के पीछे पड़े हो नौकरी ढूंढने के और आपको सफलता ना मिल रही हो। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है कई लोग हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं जीवन में। इसीलिए कैरियर का चुनाव और कैरियर में हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे एजुकेशन और कैरियर दोनों ही अलग चीज़ हैं। एजुकेशन का खाना मजबूत है या ग्रह मजबूत है तो उसका मतलब ये नहीं कि कैरियर भी मजबूत हो जाएगा। कैसे इतने कितने टॉपर होते हैं जो कि जीवन में कैरियर में बहुत अच्छा नहीं करते हैं लेकिन एजुकेशन में हमेशा वो टॉप करते रहे होते हैं, और कितने ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेशन में मध्यम होते हैं लेकिन जब कैरियर शुरू होता है तो सत्ता के एकदम सर्वोच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं। तो यही है ज्योतिष हमें बताता है, किस तरह से शिक्षा और कैरियर को अलग अलग तरह से समझें, इसे हाथों से लेके कुंडली तक में समझा जा सकता है, और उसी समझ के अनुसार ही हमें कैरियर का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार भी अगर चुनाव गलत हो गया तो वो दिशा ही गलत हो जाएगी, और अगर दिशा गलत हो गई तो दशा गलत हो जाएगी, और दशा गलत हो गई तो जीवन में उमंग और तरंग की हानि होगी, और उमंग और तरंग जीवन में उतना नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, खास तौर से मेरी विनती रहती है पेरेंट्स से, अपने बच्चों को शिक्षा में अच्छा कराइए, लेकिन जब भी आप चुनाव करें कैरियर का तो जरूर 12th के बाद एक बार ज्योतिषी पहलुओं को चर्चा कर लें, उसे समझ लें, अपने एक अच्छे प्रकांड ज्योतिषी से चर्चा कर लें, विचार विमर्श कर लें। क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो ये बच्चा मैथ्स में अच्छे नंबर लाता है तो ये बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, लेकिन कभी कभी क्योंकि बुध मैथ्स का कारक ग्रह है ये अच्छा मैनेजर भी बना सकता है। हो सकता है ज्योतिषी कहे नहीं साइंटिस्ट नहीं, ये तो MBA करेगा IIM से और मैनेजर बनेगा। तो यही चीज़ें हैं जो कि अगर हम समझ लें तो कहीं ना कहीं जीवन आसान हो जाता है और जीवन में तरक्की मिल जाती है। जी प्रतीक जी, वैसे प्रतीक जी हमने ये भी सुना है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते ही नहीं हैं कि उनका ग्रह कौन सा है, या ग्रह परिवर्तन के बारे में भी हमने सुना है कि जगह बदल लेते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? फटाफट से एक उपाय, आप साधारण सा उपाय आप बता दें कि जो भी उनका ग्रह है वो बस मजबूत हो जाए जल्दी से। तो सबसे बड़ा उपाय किसी भी कैरियर में सफलता पाने के लिए, नित्य सूर्य देव को जल देना, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ, और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, किसी भी तरह के कैरियर में सफलता पाने के लिए ये अचूक उपाय है। इसे आप लोग करिए और जीवन में सफलता पाइए। जी शुक्रिया प्रतीक जी, वैसे हमने आज हमने बहुत अच्छी जानकारी ली आपसे कि ग्रह हमें किस अकॉर्डिंग, किस ग्रह के जो लोग हैं उनको जो जो वो करियर वो फॉलो करेंगे अपने ग्रह के अकॉर्डिंग तो उनको ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। शुक्रिया प्रतीक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।